जल जनित रोगों से बचाव के लिए चंबा के उपमंडल प्रशासन सुरुणी ने एक अनूठी पहल की है। आज उपमंडल की ग्राम पंचायत किहार में जागरूकता शिविर में एसडीएम सुरुणी किरण भड़ाना ने लोगों को जल जनित रोगों से बचने के लिए मिट्टी से बने मटकों का पानी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशासन की तरफ से किहार पंचायत में मिट्टी से बने 100 मटके लोगों को वितरित किए। इस मौके पर बीडीओ सुरुणी रजनीश शर्मा व डॉक्टर अजय कौशल ने भी लोगों को इस बारे में जागरूक किया। काबिले गौर है कि ये शायद प्रदेश की पहली पहल है जहां लोगों को मिट्टी से बने मटके वितरित किए गए हों। यहाँ पे सलूनी पे वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। साल में यहाँ पे 3,310 ऐसे केसेस होते हैं जो पानी की वजह से होते हैं, और जैसे हमने रिपोर्ट मंगाई उसमें पता चला कि किहार में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। तो लोकल सोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए मटके का कैसे पानी ताकि डायरेक्ट सोर्स का पानी ना पिया जाए, इसलिए हमने आज ये लोगों को मटके दिए ताकि ये डायरेक्ट पानी ना पी के उसे कुछ दिन स्टोर करके ताकि वो प्योरीफाई हो। डायरिया इससे 50% कम होता है। किहार इसलिए चूज करा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे है। कहीं ना कहीं एक ही अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के अंदर कि डायरेक्ट पानी की जगह उसको थोड़ा प्योरीफाई होने दीजिए ताकि हम ये सारे केसेस कम कर सकते हैं। ये एक हेल्थ के तरफ बड़ा सर्कुलर जिसे कंसेप्ट कहते हैं वैसा है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, पानी साफ पिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुलूनी से सुरेश ठाकुर की रिपोर्ट।